हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिल्मी पकोड़ा। तो दोस्तों, हाल ही में एक नया ट्रेलर रिलीज हुआ है जिसका नाम है आंख मिचोली। इसमें देखेंगे हमें परेश रावल सर और मुन्नाल ठाकुर, शर्मन जोशी। तो देखते हैं कैसा और कैसा नहीं है, मज़ा मेरे ख्याल से कॉमेडी होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं रिएक्शन वीडियो, और इस वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। Ladies and gentlemen, ये खूबसूरत लड़की है पारो। मेरे पापा जी मेरे लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ दीजिए ना मेरे लिए, जो मुझसे बहुत प्यार करे, प्लीज। पारो में सब कुछ ठीक। क्या था? बस एक छोटा सा लोचा है। वो क्या है ना कि शाम ढलते ही इसे कुछ दिखाई नहीं देता, नाइट ब्लाइंडनेस यू नो। ये है नवजोत यार, बड़े भुलक्कड़ है ये। हेलो पापा जी, पारो बोल रही हूँ। कौन पारो? देवदास वाली? आपकी बेटी पारो। ये है हरमचंद, बेचारा बोल कर अटक अटक के बोलता है। ओए तू रख दे, नहीं तो वो रख दे। ये है युवराज, इसके पास कान है पीछे देख, पर कुछ काम के नहीं है। 27 रिश्ते आए हैं, 27। अरे तू क्यों शर्माता है पगले, तेरे लिए एक भी नहीं आया, सबके सब पारो के लिए आया। रोहित पटेल लड़का दिल का इतना पवित्र है, बियर भी पीता है तो तुलसी का पत्ता डाल के पीता है। ये क्या था भाई? क्या आपने उनको बताया मेरी बीमारी के बारे में? पहले सच बता देंगे तो कोई शादी नहीं करेगा। एक झूठ छुपाने को 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। और 60,000 तक की कैपेसिटी है। हाँ, और वो भी परेड। पेरीपोना पुत्र मैं हूँ, मैं सगा बाप हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? करती गड़बड़। मैं आपको कैसा लगता हूँ? अभी देखा ही कहाँ है, मतलब आपने उसके लिए गुजराती लड़का क्यों पसंद किया? कोई विस्की में विस्की मिला के थोड़ी पीता है, विस्की पाउडर में मिलाता है, पानी में मिलाता है, बर्फ में हिला के पीता है, इसलिए। किसी एक की भी बीमारी का पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सारे राज खुल जाएंगे। किसी को किसी की बीमारी के बारे में पता है कि नहीं पता? रो तेरी मां लगी तो नहीं। ओए मैं हल्का हूँ, इसका मतलब झूला झुलाओगे तुम लोग? देखा नागिन, नाग देवता भी नहीं चाहता कि हम सच बोले। ये क्यों अभी तक नाच रहे हैं? बहन की शादी है तो खुशी के मारे झूम रहा है, मन के अंदर ही म्यूजिक बज रहा है। ओए बटन दबा, बात बात कसट के बी साइड दिखा, बी साइड। भाई साहब, मतलब ये है कि इसके अंदर ड्रामा, कॉमेडी और फैमिली का जो बॉन्ड है और एक क्रिएटिविटी जो होनी चाहिए एक मूवी में, कॉमेडी मूवी में, वो दिखेगी। बंदी को रात में दिख ही नहीं रहा है तो, और क्या बोलते हैं, पिताजी जो परेश रावल सर है ये भूल जाते हैं, भाई तोतलाता है, मतलब गूंग थोड़ा ऐसा है, हकलाता है, सॉरी। तो काफ़ी क्रिएटिविटी है इस मूवी में, आंख मिचोली में। मज़ा बहुत आने वाला है और काफ़ी बेसब्री से वेट रहेगा मूवी का, जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि मैं तो भाई देखने वाला हूँ, क्योंकि ट्रेलर में इतना मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। अगर आपको मज़ा आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, बाकी सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं ऐसे कोई शानदार वीडियो के साथ, जब तक स्टे ट्यून्ड, बाय।